कैब में जा रहे हैं तो बार बार सैनिटाइज करते रहना। ओके सो इट्स डन। ऑफ कोर्स द इंजेक्शन लगा। नेक्स्ट वैक्सीनेशन हमारी कब है नानू? अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट वैक्सीन। हे गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग फॉर आवर वैक्सीनेशन, आवर फर्स्ट वैक्सीनेशन इन देहरादून। सो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है अच्छे से, क्योंकि वो करके जाना ज़रूरी है। 2 मास्क ऑलरेडी लगे हैं, 3rd कैरी कर रही हूँ, वहाँ पहुँच के लगा लूँगी। सैनिटाइज़र एंड आधार कार्ड एंड 1 पेन जो मेरे भाई लोगों ने ले लिया है। मास्क लगाने के सही तरीके, फर्स्ट मास्क रोल करके अपने खांसी में डालिए, सेकंड मास्क नॉर्मल तरीके से पहनिए, आपका फेस पूरा कवर्ड रहेगा। अभी हम अपने यहाँ से अपने कज़न नानू को पिक करना है। कन्नू अपना एक्स्ट्रा मास्क लेने गया है और हम कैब में जा रहे हैं तो बार बार सैनिटाइज करते रहना। मैं अपनी कार में जा रही हूँ इसलिए मैंने एक बार किया जब मैं अंदर बैठी, वरना हमारी 4th वैक्सीनेशन गर्ल आ चुकी है। वेलकम दीपाली नेगी। तो दिखाने की बंद किया? वो सैनिटाइजर रखा है तो मैंने फालतू में बॉटल। So we have reached the 3rd mark. Be fully secure. Okay, so जैसे हमने एंटर किया तो पुलिस ने हमारा चेक किया, जो हमें मैसेज आ रखा है कि हम लोगों ने ऑलरेडी स्लॉट लिया है कि नहीं लिया है। देन उन्होंने हमें अलाउ किया अंदर आने के लिए। So they gave me this पर्ची स्लिप। सो इट्स डन। सो हमें 1/2 आवर इधर वेट करने के लिए बोला है, जस्ट बिकॉज कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं आफ्टर वैक्सीनेशन, तो हमें फॉर 1/2 आवर वी हैव टू वेट ओवर हियर। जब जाए तो सीट्स पे ऑलरेडी सैनिटाइज कर लेना पूरी तरह से। अंदर है और थोड़ा सा। ओके, गुड जॉब नानू, ये हम करने के लिए कर रहे हैं। अभी आई थिंक मतलब वेटिंग ओवर हो गया है। He was being a volunteer helping people book it online. booking for what? For sanitization? नहीं, वो उस लड़की को हेल्प कर रहा था ना। अच्छा। वन वियर्ड थिंग विच आई फेल्ट इज कि इंजेक्शन लगने के बाद शी वॉज लाइक इसे प्रेस मत करना, बिकॉज हम जब भी इंजेक्शन लेते हैं तो यू नो वी रब कि ताकि वो फूले ना। और समझ ना, हाउ इज द फीलिंग? अभी तक तो कोई फीलिंग नहीं आ रही है, चौधरी को थोड़ा गर्मी हो रही है। बट जैसे डॉक्टर ने कहा कि यू हैव टू वेट 1/2 आवर, तो तेरे दिमाग में क्या आया? दिस इज़ वेरी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स पहले आते हैं तो। बट यू हैव टू बी पॉजिटिव। या आई मीन आई थिंक लोगों को ज़्यादा वो होता है ना साइकोलॉजिकल इशूज, कि अभी गर्मी होने लग गई। जैसे चौधरी को वैसे भी गर्मी होती है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर हिम। बाकी सब इट्स ऑल फाइन, इट वॉज वेरी नाइस, क्विक, पेनलेस। मैंने जस्ट अभी कुछ अपडेट किया है। अभी मुझे ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है जैसे यहाँ कुछ हो रहा है। वो तो ऑफ कोर्स मुझे इंजेक्शन लगा है, सो मुझे जो फील हो रहा है मैं शेयर कर देती हूँ। मुझे ऐसा प्यूकेश और आई थिंक घुटन हो रही है, आई थिंक वो बिकॉज ऑफ मास्क, और मैं मास्क कभी उतार नहीं सकती हूँ। बट हाँ, प्यूकेश सा थोड़ा लग रहा है। ओके, वन मोर थिंग, पहले मुझे हो रहा था प्यूकिश, बट जैसे ही मैंने अपना ध्यान डाइवर्ट किया, लाइक अपने कज़न से बात करने लग गई, फ़ोन में ध्यान दिया, यहाँ का पेन प्यूकिश वाला सब चला गया। आई एम फीलिंग परफेक्टली फाइन राइट नाउ। और जहाँ मैंने वैक्सीन लगाई है यहाँ हमारा स्लॉट बहुत जल्दी आ गया था। एज यू कैन सी इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं है, सिर्फ एक फैमिली हमारे सामने बैठी है और एक शायद गई है, तो ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। तो काफ़ी अच्छे से विद प्रॉपर रूल्स, सैनिटाइजेशन, सब कुछ प्रॉपर है यहाँ पे। सो गाइस प्लीज़, मुझे पता बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं बिकॉज डर कर कि कुछ हो जाएगा ये वो, सो तो प्लीज़ मत बैठो घर पे। इफ़ यू आर अबव 18, गो एंड गेट योर वैक्सीन डन प्लीज़।
सो कनु तुझे कैसा फील हो रहा है आफ्टर योर फर्स्ट शॉट ऑफ वैक्सीनेशन? नॉर्मल फील है, मतलब टू न्यू. ओके, सो ये हमने कोविड शील्ड लगाई है ना? हाँ, कोविड शील्ड एस्ट्राजेनेका. ओके, सो और जो हमारे पेरेंट्स ने लगाई है वो कौन सी है फिर? वो कोवैक्सीन है. और कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या डिफरेंस है? द मेजर डिफरेंस जो इनका है वो है कोवैक्सीन प्योरली तुम्हारी इंडिया की है. ओके. और कोविशील्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब में डेवलप हुई है. सो इसलिए इसका नाम बेसिकली एस्ट्राजेनेका है, इंडिया में कोविशील्ड बोलते हैं. ओके, तो जैसे अच्छा ठीक है, वैसे ये जो हमारी कोविशील्ड है ये यूएसए की है, यूके का फॉर्मूला है जो इंडिया में बन रहा है. हाँ. तो हाँ, फिर तो नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो नेक्स्ट वैक्सीन होगी वो भी मिली जाएगी, बिकॉज फॉर्मूला इंडिया के पास है. हाँ, मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया में, तो इसकी स्कैसिटी का कोई इशू नहीं होगा बिल्कुल. ओके, थैंक यू कन्नू. वैसे तुम्हें अभी फील कैसा हो रहा है? अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल है, इट्स गुड. नेक्स्ट वैक्सीनेशन हमारी कब है नानू? अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट वैक्सीनेशन से पहले चौधरी जाएगा मेरे हाथों से. वैक्सीनेशन कब है हमारी? शी सेड 1 month to 1.5 month के बीच में. ओके, सो वापस हमने अपने आप को सैनिटाइज कर लिया है, देन हमने कार के अंदर एंटर कर लिया है अपने आप को. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. हर दिन अपना ऑक्सीजन चेक कीजिए प्लीज. हम घर आ गए, खाना खा लिया बिकॉज काफ़ी भूख लग रही थी, जबकि मैं मील खा के गई थी स्टिल काफ़ी भूख लग रही थी बिकॉज वहाँ वेट करना पड़ा तो और भूख लग गई. प्लस अभी सब कुछ सही है, इंजेक्शन लगाया तो थोड़ा हैवीनेस है हाथ में और हल्का हल्का पेन है, अदरवाइज आई एम परफेक्टली फाइन. और मैंने आके सबसे पहले स्टीम लिया और तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाइए अपना वैक्सीन का शॉट लीजिए, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत जो हमारे से एल्डर लोग हैं उन्होंने काफ़ी लेट कर दी है वैक्सीन लगाने में, तो अभी इस वजह से हम बच्चों को स्लॉट नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जैसे ही आप लोग को मिलता है प्लीज़ गो एंड गेट योर शॉट ऑफ वैक्सीन. थैंक यू.